रायपुर जिला कलेक्टर राजन बिसाल क्षेत्र के दौरे के दौरान चंदवाजी थाने में पहुंचकर थाने का निरीक्षण किया। वही शाहपुर में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग के बाद नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते छात्र छात्राओं को परीक्षाओं के लिए पढ़ाई में ध्यान देने की बात कही। जिला कलेक्टर कोटपुतली के उप कारागृह और सरुण थाने का निरीक्षण भी किया। वहीं कलेक्टर ने बिजली पानी अवैध माइनिंग और नगर पालिका की सफाई व्यवस्थाओं के बारे में विशेष दिशा निर्देश दिए। सर आज आप क्षेत्र के दौरे पे हो, साफ पावटर को अधिकारी भी मिलते हुए, सर क्या दिशा निर्देश दिए, क्या कहना था? देखिए जो सतत प्रक्रिया है फील्ड में जाके, दो मकसद होते हैं। एक तो फीडबैक लेना कि राज्य की सरकार की जितनी भी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन का क्या फीडबैक है। दूसरा चीज़ है जो कंप्लेंट जिला प्रशासन के स्तर पे आती है उनका निराकरण ढंग से हो। और तीसरा चीज़ है जो जिला स्तर पे दो अभियान चलाए जा रहे हैं, एक ऑपरेशन संबल और दूसरा चुप्पी तोड़ो सियानी बनो। दोनों अभियानों का मकसद ये है, ऑपरेशन संबल का, कि जितने भी पात्र और वंचित लोग हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशनों से, वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन से और पालनहार से, ऐसे लोगों को गांव-गांव में सर्वे करके चिन्हित किया जाए और उनको एंड टू एंड ई मित्र तक ले जाके और कागज़ भरवा के और उनका PPO जारी करवाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पे ब्लॉक वाइज और ब्लॉक में जो प्रभारी है उनके साथ विस्तृत समीक्षा की गई और इन सभी योजनाओं में गति लाने के निर्देश दिए गए। और जो जन अभियोग निराकरण है वो प्रभावी हो, गुणवत्तापूर्वक हो, ताकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को जिला स्तर पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। स्थानीय स्तर पर ही सारे काम जो स्थानीय स्तर के स्तर लेवल के हैं वो यहीं पर हो जाएँ, ये सब निर्देश दिए गए। सर जवाहर नवोदय स्कूल भी जाके आए हैं, वहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जवाहर नवोदय विद्यालय का देखिए मैं चेयरमैन भी हूँ मैनेजमेंट कमेटी का, तो उस हैसियत से बच्चों की सार संभाल करने के लिए, उनका फीडबैक लेने के लिए, और अभी बच्चे 10th और 12th के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी उनको तैयारी किया है और उनको शुभकामनाएँ देने के लिए उनके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए मैं गया था, तो वहाँ व्यवस्थाएँ सब ठीक उचित पाई गई।